अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फाइनली हम यहाँ पहुँच चुके हैं सतगरा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ बोर्ड लगा हुआ मकबरा नीर का टर्न लोग, और रिसेंट जो गवर्नमेंट है उन्होंने स्टेप्स लिए हैं, और ये हालत काफ़ी ख़राब थी, खस्ता हालत थी। तो आप ये रोड के साथ अलांग में आप देख रहे हैं मेरे पीछे, अभी ये मेन एक गेट बना रहे हैं एंट्रेंस इसकी, एंड थोड़ा राउंड रेनोवेशन का काम इसके नजदीक आ गया, अब जाके हम देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, तो व्यूअर्स हम पहुंच चुके हैं यहाँ टॉम के पास, तो आइए इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं मीर चाकरी आलम रीन बलोच कबीले के अजीम सरदार थे, 1468 में जो पैदा हुए, और अपने वालिद सरदार शिहाक रिंद की वफात के बाद 18 साल की उम्र में बड़ी अर्ली एज में इन्होंने अपने ट्राइब का जो है कमांडमेंट संभाल ली थी। तो ये सरदार मुंतखब हुए। मीर चाकरी आलम रिंद एक बहादुर जंगजू थे, उन्होंने मुगल बादशाह हुमायूं को शेर शाह सूरी को शिकस्त देने में मदद की, जिसके बदले हुमायूं ने मीर चाकरी आलम रिंद को सतगरा और इर्द गिर्द के इलाके और इस इलाके की सरदारी जो है वो तोहफे में दी। तो ये जो सारा इलाका है इनका, ये सतगरा का सारा इलाका, ये इनको एज अ गिफ्ट और एज अ रिवार्ड जो है वो जो मुगल एम्परर था हुमायूं उनकी तरफ से दिया गया था। और जहाँ मीर चाकरी आलम रिंद ने एक किला नुमा शहर की बुनियाद रखी जो कि अंदरूनी शहर सतगरा के नाम से जाना जाता है, आप जो है वो 97 ईयर की एज में जो 1565 में ये फोत हुए, और अंदरूनी शहर सतगरा में स्कूल खाक है। तो ये इनके एक टॉम्ब इनकी मेमोरेंडम में बना हुआ है, तो आइए इसका भी अंदर से इंशाल्लाह जायज़ा लेंगे साथ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये पुराने तर्ज तमीर का अजीम शाहकार टॉम्ब मीर चाकरी आलम रिंद, और इसकी ईंटों की आप बनावट देखें और फन तमीर, तो आजकल ऐसी चीज़ें देखने में नहीं मिलती, ये एंटीक है, और रीसेंट गवर्नमेंट ने ये सारी रेलिंग और ये चीज़ें इसकी रेनोवेशन का काम स्टार्ट किया हुआ है, जो कि बहुत अच्छा कदम है और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए एट एवरी लेवल एंड एट एवरी प्लेटफॉर्म। जी तो व्यूअर्स, हम ये अंदर इसके बिल्डिंग के अंदर आ चुके हैं, यहाँ पर आप पीछे देख रहे होंगे मेरे पीछे एक पोर्ट्रेट इन्होंने बनाया हुआ है, जो कि हॉर्स के ऊपर मीर चाकरी आलम रिंद की इन्होंने एक मुजस्मा या स्टैचू कह सकते हैं आप, वो बना के रखा है, और जिससे इनकी पहचान होती है कि यहाँ ये जो सारा इलाका है और इनकी याद में ये सारा चीज़ें की गई हैं। और ये मैं आपको एक थोड़ा सा पैनोरामा टाइप बना के आपको दिखाता हूँ, अभी तक कंस्ट्रक्शन का जो है ना काम वो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये स्टैचू आप अगर करीब से इसको देखें तो एक ब्रेव वैरियर और अजीम लीडर की जो है वो आपको इसको अक्कासी करता नज़र आएगा ये स्टैचू, और एक हाथ में ढाल और बकायदा ज़ीरा पहनी हुई और घोड़े पे और घोड़े को दौड़ते हुए इन मूवमेंट दिखाया गया, और एक हाथ में तलवार। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन जो है एक इनकी लुक आ रही है। आज का वीलॉग रिगार्डिंग मीर चाकरी आलम रिंद, ये हमारा रेंडेवू हुआ,
भी दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इनके आगे दर्जात बुलंद करें और इनकी सुकून दें। इसके साथ मैं जाना चाहूँगा। अल्लाह आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।